हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो अभी प्रेरणा के सिद्धांत के ऊपर ये लास्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने मैकडूगल का सिद्धांत कवर कर लिया था अभी प्रेरणा का, ठीक है, जिसके अंतर्गत 14 जो उन्होंने सूचियां बताई थी मूल प्रवृत्तियों की, उनके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है, उसके बारे में बताया था। इसके बाद हम लोगों ने नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी थी वो हमने पढ़ ली थी, और जो उन्होंने 5 पद बताए थे, क्रम बताए थे अपनी मांग सिद्धांत के, ठीक है, जो 5 आवश्यकताएं या मांग बताई थी उनके पदानुक्रम संरचना को भी पढ़ लिया था। फिर हमने साइको एनालिटिक थ्योरी यानी अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है और उनके द्वारा बताई हुई मूल प्रवृत्तियां और अचेतन जो उन्होंने बताए थे जो कि अभिप्रेरणा के मुख्य उत्तरदायी कारक हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ 4 लगभग ये और हैं मोटिवेशन के बारे में थ्योरीज, कुछ सिद्धांत हैं, छोटे छोटे से सिद्धांत हैं, इसलिए आज इसको एक इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और आपका जो ये सिद्धांत वाला पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। KVS NVS और कस्तूरा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी इसके बारे में अपडेट मिलती है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूँगी, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं इस पर वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसकी जानकारी ले सकें, ठीक है। तो आज ये 4 हम थ्योरीज़ और कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जिसको कहते हैं अभिप्रेरणा का प्राणोद न्यूनता सिद्धांत, फील्ड थ्योरी यानी कि क्षेत्र सिद्धांत जो अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत है, गोल ओरिएंटेड थ्योरी यानी अभिप्रेरणा का लक्ष्य सिद्धांत, और मॉर्गन और मुरे का सिद्धांत देखेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक। तो एक एक करके सिद्धांत को कंप्लीट करते हैं। जहाँ पर समझ ना आए आपको, कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम होती है समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके मैं आपको बोलचाल की भाषा में समझाऊँ जिससे आपको आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले लेते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना सकते हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देती हूँ, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मेन वर्ड्स हैं मैं उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। इसी को हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा का प्राणोद न्यूनता सिद्धांत। अभी मैं इसको, आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान ना होइएगा कि इतना भयानक नाम है, बहुत ही इजी सा सिद्धांत है, बिल्कुल एकदम आधे पेज का भी नहीं कहूँगी, 4 लाइन का सिद्धांत है बिल्कुल, ठीक है, मतलब 4 लाइन के सिद्धांत में जितना इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो कवर हो गई हैं। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसका जो प्रतिपादक है या जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया है वो है क्लार्क लियोनार्ड हल, बेसिकली हल भी लिख करके आ सकता है या फिर पूरा नाम भी लिख सक के आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये हल है, हल का ही पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल, ठीक, तो केवल हल भी लिख करके आ सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका प्रतिपादन क्लार्क लियोनार्ड हल ने किया था, ठीक है, और हल जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अभिप्रेरणा में जो बायोलॉजिकल कारक हैं या बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं इन पर ज़्यादा बल दिया, ठीक है। बायोलॉजिकल यानी कि जैविकीय जो कारक हैं, ड्राइव का मतलब होता है प्राणोद, प्राणोद मतलब होता है जो चालक का कार्य करते हैं एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण आप वो कार्य कर रहे होते हैं, जो आपको चलायमान करते हैं, ठीक, जैसे कि भूख हो गया, प्यास हो गया, तो ये क्या है, ड्राइव का कार्य कर रहा है, भूख लग रही तभी तो आप जाके भोजन पकाओगे या ढूंढोगे या खाओगे या भोजन के लिए आप जो है पैसे कमाओगे, ठीक है, तो एक तरह से आपके ड्राइव का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये इन चीज़ों पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया, ठीक है। हल का क्या कहना था कि जो जैविकीय कारक या जैविकीय प्राणोद या बायोलॉजिकल ड्राइव्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं व्यक्ति को अभिप्रेरित करने में किसी कार्य को करने के लिए, तो इन्होंने इसकी भूमिका पर अधिक बल दिया, ठीक है। जैविकीय प्राणोद या जैविकीय कारक कौन से हो गए, जैसे कि भूख हो गई, प्यास हो गई या कोई नींद हो गई, जो ऐसी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, जिनके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। जैसे हल ने कहा कि भूखा व्यक्ति है कोई तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो भोजन की तलाश करेगा, ठीक है।
भूखा व्यक्ति क्या करेगा, भोजन की तलाश करेगा, क्योंकि इसी से उसकी भूख मिटेगी। तो भूखा भूख क्या काम करती है, भूख आपको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, भूख आपको मजबूर कर रही है या भूख आपको एक्टिवेट कर रही है कि जाओ जाकर के भोजन तलाशो या भोजन पकाओ या भोजन के लिए पैसे कमाओ। तो ये कौन कर रहा है, ये भूख कर रही है। ठीक है, कहने का मतलब है आप अगर एक साल नए कपड़े नहीं लोगे चलेगा, आप एक साल नए सैंडल नहीं लोगे चलेगा, लेकिन भूख क्या है, खाना तो आपको चाहिए। एक दिन भूखे रह लोगे, दो दिन रह लोगे, चार दिन रह लोगे, एक स्पेसिफिक सीमा होती है। तो इसलिए इन्होंने बायोलॉजिकल राइट्स को इम्पॉर्टेंट बताया। फिर नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं, फील्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फील्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत छोटे छोटे से सिद्धांत हैं, तो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। फील्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत, नाम से ही समझ में आ रहा क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत। तो क्षेत्र सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, वो उसमें उसके सामाजिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, या प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, तत्कालिक सामाजिक क्षेत्र की। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र मतलब तत्कालिक, तत्कालिक मतलब उस समय का, उस दौरान का, इमीडिएट, जिस वो सोसाइटी में, जिस समाज में रह रहा है, जिस सामाजिक क्षेत्र में रह रहा है, उसकी भूमिका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति को किसी व्यवहार को, किसी क्रिया को करने के लिए अभिप्रेरित करने में। ठीक है, तो तात्कालिक सामाजिक क्षेत्र इस सिद्धांत में सबसे इम्पॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत का मानना है, या इस सिद्धांत के अनुसार मानव का जो व्यवहार है वो वास्तव में व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, व्यक्ति और वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है, यानी कि इंट्रैक्शन का परिणाम होता है। ठीक है, मानव का व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है, ये अभिप्रेरणा के क्षेत्र सिद्धांत में बताया। कहने का मतलब क्षेत्र सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणा में आंतरिक कारणों पर जोर नहीं देता है, बल्कि बाह्य कारणों पर जोर देता है। ठीक है, कि मतलब जो बाहर का जो वातावरण है उस पर अधिक बल दिया गया है। कि इस सिद्धांत का कहना है कि जो व्यक्ति है उसका व्यवहार व्यक्ति और वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है, यह अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत बताता है। ठीक है, बाह्य कारणों पर इस पर अधिक बल दिया गया, यह वातावरण या जो तत्कालिक सामाजिक क्षेत्र है व्यक्ति का, उस पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ पर जो पास्ट है यानी कि भूतकाल है, उसकी अवहेलना की गई, कि भूत से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उस पर बल दिया गया। कहा गया ना तत्कालिक मतलब इमीडिएट, पहले का नहीं, भूतकाल पर बिल्कुल बल नहीं दिया गया। ठीक है, बल्कि प्रेजेंट पर बल दिया गया है। तो इस कारण भी जो ये सिद्धांत, इसकी आलोचना की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को भूतकाल इफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल इफेक्ट करता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत। अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत या गोल ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बेसिकली ये संज्ञान पर आधारित है। ठीक है, अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित जो सिद्धांत है, जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिनकी विचारधारा संज्ञानात्मक होती है, ठीक है, उनका ये मानना रहता है कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने में संज्ञानात्मक कारक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने अकॉर्डिंग सोचता है। ठीक है, जो जिस फील्ड का मनोवैज्ञानिक होता है उसको लगता है कि हाँ यही फील्ड इम्पॉर्टेंट है, जबकि होता क्या, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती, कहीं ना कहीं अपना अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक कारकों पर यहाँ बल दिया गया है कि अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में जो संज्ञानात्मक कारक है वो ज़्यादा जो है अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मानव का क्या होता है कि एक निश्चित लक्ष्य होता है, ठीक है, एक गोल होता है व्यक्ति को। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ाई करो तो आपका एक लक्ष्य है कि आपको KVS में जॉब पाना है। ठीक है, और जब उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, या मानव उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो दूसरा लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, फिर जैसे कि अब क्या हो गया कि अब हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर दूसरा लक्ष्य भी मिल गया, फिर क्या हो गया, तीसरा लक्ष्य बन जाता है इंसान के पास। ऐसा तो नहीं आपके जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको बस एक चीज़ चाहिए और फिर कुछ चाहिए ही नहीं है पूरी
ज़िंदगी में। ऐसा लगता है शुरू शुरू में कि अभी तो हमें सिर्फ जॉब चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर जॉब लग जाएगी, फिर आप सोचेंगे बस प्रमोशन और हो जाए, बस घर और हो जाए, परिवार और हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। तो ये चीज़ें ना कभी जो इंसान की इच्छाएँ हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसकी ख्वाहिश हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कुछ ना कुछ इंसान अगर समाज में जीवन जी रहा है, या तो सामाजिक मोह माया में वो हो ही ना, बिल्कुल दूर हो, तो बात अलग है। लेकिन मैं वहाँ पर बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल सामाजिक जीवन की बात कर रही हूँ। तो ये लक्ष्य ही क्या करते हैं, मानव को क्रियाशील यानी कि अभिप्रेरित बनाए रखते हैं। ठीक, जैसे KVS में जॉब करना आपका लक्ष्य हो गया, अब आपको जॉब मिल गई यानी आपकी जॉब की पूर्ति हो गई, तो क्या हुआ, फिर आपका एक दूसरा लक्ष्य आ जाएगा। ठीक, आपको ये लगेगा कि अब प्रमोशन हो जाए या कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, ठीक है, तो ये आपका सेकंड लक्ष्य आ गया। फिर उसे आप सोचेंगे कि आप घर भी बना लें, गाड़ी खरीद लें, फिर बंगला बन जाए। फिर तो इस तरह से क्या होता है, आप परमानेंट क्रियाशील बने रहते हैं, अभिप्रेरित बने ही रहते हैं कार्य को करने के लिए। ठीक, तो ये कहना है गोल ओरिएंटेड थ्योरी या अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत, जो कि संज्ञानात्मक कारकों पर बल देता है। इनके अकॉर्डिंग जो मानव व्यवहार होता है वो लक्ष्य के द्वारा निर्देशित होता है, और लक्ष्य की प्राप्ति से क्या होता है, व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, जिससे क्या करता है, वो क्रियाशील होता रहता है। जैसे अभी आप KVS का रिटर्न एग्ज़ाम निकालो तो आपको पुनर्बलन मिलेगा, फिर आप जो है इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, फिर जॉब, फिर प्रमोशन, फिर और ऊपर की पोस्ट, तो एक पुनर्बलन की तरह आपके कार्य करेगा, जिससे क्या होता है, प्राणी क्रियाशील बना रहता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक कारकों पर बल दिया है और बताया है कि मानव व्यवहार लक्ष्य के द्वारा निर्देशित होता है, व्यक्ति का जो है लक्ष्य बना रहता है, एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद दूसरा लक्ष्य, फिर तीसरा लक्ष्य, इस तरीके से व्यक्ति जो है लक्ष्य बनाता और उन्हें प्राप्त करता रहता है, और इस तरीके से वो कार्य को करने के लिए क्रियाशील बना रहता है, और लक्ष्य की प्राप्ति से उसको क्या प्राप्त होता है, पुनर्बलन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है मैंने काफ़ी इजी वे में एग्जांपल लेकर के समझाया है, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर गोल ओरिएंटेड थ्योरी या अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट सिद्धांत और देख लेते हैं, फिर आपके जो सिद्धांत है ये कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर सिलेबस अपडेट होता है कुछ और सिद्धांत पे मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर मैं वो और बाद में कंप्लीट करा दूंगी। अभी मैं 2018 वाले सिलेबस को ही माइंड में रख करके कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपका कुछ सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाए न्यू सिलेबस आने के पहले पहले ही, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना रहे। जितना आप अभी तैयार कर लोगे बाद में उतना ही कम प्रेशर हो। ठीक है, तो मॉर्गन और मुरे का सिद्धांत देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने शारीरिक मांग या शारीरिक रचना का सिद्धांत दिया। ठीक है, शारीरिक मांग या शारीरिक रचना का सिद्धांत, शारीरिक मांग या फिर शारीरिक रचना का सिद्धांत कह सकते हैं, जो मॉर्गन और मुरे ने दिया। जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नोट्स मैं उन टॉपिक्स के प्रोवाइड कराऊंगी जिनके बारे में मैंने लिखा या नहीं है, तो उनके मैं लिखे हुए नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में पढ़ने की बजाय आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, क्योंकि वही आपके काम आएगा जो आप समझेंगे। रटने पर फोकस ना करके समझने पर फोकस करें। जो वन लाइनर्स हैं, जो रटने वाली चीज़ें, उन्हें चाहे आप रट लें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करें। तो मॉर्गन और मुरे के अकॉर्डिंग क्या है, शारीरिक मांग या शारीरिक रचना के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, कि अभिप्रेरणा का जो स्रोत है वो मानव शरीर है। कैसे है, जैसे भोजन हो गया। ठीक है, तो भोजन क्या है, ये अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। भोजन आपको अभिप्रेरित नहीं कर रहा, अभिप्रेरित आपको कौन कर रही है, भूख कर रही है। ठीक, भोजन आपके सामने रखा है वो आपको अभिप्रेरित नहीं कर रहा, आपको भूख लगी है तो उस कारण से आप भोजन की प्राप्ति कर रहे हो। भूख के कारण क्या होता है, आप भोजन ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, या पकाते हैं, या भोजन के लिए कमाते हैं, वो किसके कारण आप करते हैं, भूख के लिए करते हैं, ना कि भोजन के लिए। भोजन आपको अभिप्रेरित नहीं कर रहा है, बल्कि आपको अभिप्रेरित कौन कर रही है, भूख कर रही है, जो कि मानव शरीर से उत्पन्न हो रही है। और इनका यही कहना है कि अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है, मानव का शरीर है। ठीक है, मानव के शरीर से अभिप्रेरणा जो है उत्पन्न होती है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जैसे कि भोजन बाहर रखा है आपके सामने। ठीक है, घर में सपोज करो आपके सामने बहुत सारा भोजन रखा है, तरह तरह की चीज़ें रखी है, नमकीन रखा है, बिस्कुट रखा है, चिप्स रखा है, आप खाओगे नहीं खाओगे, या खाना हुआ तो नॉर्मली खा लोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको भूख लगी है, तब आप जाकर के तलाशोगे कुछ खाने को,
मिल जाए, ठीक है। तो आपको अभिप्रेरित उस भोजन ने नहीं किया है जो भोजन रखा हुआ है, आपको अभिप्रेरित किसने किया, उस भूख ने किया है, ठीक है। वो भूख आपसे काम करवा रही है, आप जाकर के बाहर भूख के कारण ही भोजन को तलाश करते हो, ठीक है। आप अगर खाने का सामान जाते हो खरीदने तो क्यों जाते हो, इसलिए नहीं कि हाँ भोजन है बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है तो चलो खा लेते, नहीं। आप को सुंदर लगे ना लगे, आपको भूख लगी है तो आपको खाना है वो खाना। कहते हैं ना, जब भूख लगी होती है तो नहीं दिखाई देता कि भोजन बासी है या क्या, सिर्फ ये दिखता है कि भोजन मिले और पेट भर जाए, ठीक है। भूख ऐसी चीज़ होती है, तो इसलिए कहना ये है शारीरिक रचना सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि जो भोजन है वो मानव को प्रेरित नहीं कर रहा है कार्य करने के लिए, ठीक। कहीं बड़ा सुंदर सा भोजन है, मानव उसको खरीदने के लिए प्रेरित होकर के जॉब कर रहा है, नहीं। बल्कि जो भूख है, व्यक्ति को पता है भूख लगती है, उसके लिए रोटी खाना पड़ता है, उसके लिए कमाना पड़ता है, वो आपको प्रेरित कर रही है उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। आप भोजन पकाने जा रहे हो इसलिए नहीं कि चलो मैं बड़ा सुंदर सा भोजन पकाऊं और बड़ा अच्छा लगेगा, उसको मैं देखूंगा सुंदर सा भोजन पका करके, नहीं। आप भोजन इसलिए पकाने जाते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको भूख लगेगी, आपकी फैमिली को भूख लगेगी, तो आपको वो भोजन खाना होगा, ठीक है। तो मतलब मानव का जो शरीर है वही अभिप्रेरित कर रहा है व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ इतनी चीज़ें मुझे लगता है बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, और जितना हो सके मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जल्द से जल्द KVS का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे ही KVS का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर जो सुपर टेट का बाकी बचा हुआ सिलेबस है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि KVS और सुपर टेट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक हैं जो बिल्कुल मैच करते हैं, तो वो तो दोनों के लिए ही सेम है, चाहे वो KVS PRT हो, TGT हो या फिर सुपर टेट हो, वो सभी एग्जाम्स के लिए सेम है, सभी में वही आने हैं और वही चीज़ें हैं। ऐसा तो है नहीं कि मॉर्गन और मूरे का सिद्धांत KVS वालों के लिए कुछ अलग है और सुपर टेट वालों के लिए कुछ अलग, ऐसा नहीं है। जो सिद्धांत वहाँ पर है वही सिद्धांत वहाँ भी रहेगा, ठीक। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जितना रिमेनिंग टॉपिक रह जाता है सुपर टेट का उसको कंप्लीट कर लेंगे, पर प्रायोरिटी मेरी ये है कि KVS PRT और TGT का जो सिलेबस है मैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँ, जितना सिलेबस हो सके उसको कंप्लीट करा दूँ, और फिर जैसे ही नया सिलेबस कोई अपडेट आता है जो न्यू सिलेबस का, तो जो भी टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़े होंगे, इंक्रीज हुए होंगे या जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, मैं उसको फिर से और जो टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। लेकिन तब तक एटलीस्ट मेरा यही मानना है कि 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए 2018 के अकॉर्डिंग ही। और इतना याद रखिए, अगर आप सिर्फ वेट करते रह जाएंगे सिलेबस का कि जब नया सिलेबस आए तभी पढ़ेंगे या जब भर्ती की जानकारी आए तभी पढ़े, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। फिर जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप वैसा कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, वैकेंसी की जो सीट है वो आपके लिए है, जॉब आपको करनी है। मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी एक सीट को पक्का कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।